hello students of class 7 welcome back in my video number 13 as you know that we were on chapter number 2 nutrition in animal i have explained you the process of nutrition in human being and the complete digestive system now we will continue it open your page number 15 and see the figure 2.2 this is the picture of human elementary canal i will explain you the digestive system of human being with the help of this figure as you see in this figure a human is taking food in mouth this is the oral cavity और माउथ ये जो ग़ा है ये मुंह के जरिए कैविटी या इसमें चली इसमें हम डालते हैं मुंह के अंदर हमारे ये टंग या ज़बान मौजूद होती है जिसके ऊपर टेस्ट बड़ मौजूद होते हैं अब आपने को हमने बताया था कि उससे मुंह में जाने के बाद हम इसे अपने दांतों की मदद से चबाएंगे और उसके अंदर यहाँ पर एक जो है वो सिक्रीशन होती है स्लाइवा की जिसे हम थूक कहते हैं और वो मिक्स हो जाता है हमारे फूड में फूड होने के बाद वो चबाता है चबाने के बाद वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है फिर हम जब उसे निगलते हैं निगलने का जो प्रोसेस आता है वो आता है फेरेंगस से फेरेंगस जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये कॉमन है कॉमन जगह है फॉर द फूड एंड एयर यानी ये नाक से भी कनेक्टेड होती है जिससे हवा हमारे बॉडी में दाखिल होती है और मुंह जो है मुंह से जो ग़ा हम खाते हैं उसके बाद वो भी हम इसी फेरेंगस के थ्रू ये एक फनल लाइक -like देखें एक कप की तरह है और इसमें हम खाने के बाद इसको हम जब गज़ा को निगलते हैं तो ये हमारे इस तरह नीचे आती है और ये ओसोफिगस में चली जाती है या इसे हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक फूड पाइप कहते हैं या इसे हम ओसोफिगस कहते हैं ओसोफिगस जो है इट विल ओपन इन स्टमक दिस इज़ योर स्टमक ओके ये देखें यहाँ लिखा है ये स्टमक है अब ये गज़ा यहाँ से चबाने के बाद जब हमने निगल ली फूड पाइप के थ्रू ये चीज़ स्टमक में आ गई स्टमक में आने के बाद इसके ऊपर डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं इसमें खुद स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है सिक्रीट करता है वो भी उस गज़ा को जो कि चबाने के बाद थोड़ी नरम हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करता है और मज़ीद उसे बारीक या सिंपल फॉर्म में चेंज करने में मदद करता है दिस इज़ द लिवर ये एक आपको मैंने बत... ये हमारे ग्लैंड हैं आपको सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का लिवर है इस लिवर से ये देखें एक डक्ट निकल रही है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं ये गोल ब्लैडर है जिसे हम उर्दू में पिता कहते हैं लेवर यानी जिगर होता है अब इसमें से जो डाइजेस्टिव जूसेस या बाइल जूस जो बनता है गॉल ब्लैडर में वो देखें यहाँ से इस ट्यूब के जरिए ये स्टमक में मिलेगा और लेवर के अंदर जो भी जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे वो आपके इस स्टमक में चले जाएंगे तीसरा ग्लैंड हमारा यहाँ पर है दिस इज़ पेंक्रियाज अब ये पेंक्रियाज जो है इसमें से भी डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और वो स्टमक में जाते हैं अब इस स्टमक के अंदर बाइल जूस यहाँ से जो जूस निकलेगा लिवर से एंड देन पैंक्रियाज से जो जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे वो उस स्टमक में और स्टमक के अंदर खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है वो तमाम के तमाम जो है इसके अंदर गजा के अंदर इसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसे सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं इसके बाद आप देख रहे हैं इट इज़ कंटिन्यूइंग यहाँ से ये यह कंटिन्यू होता है और ये आगे जाके स्मॉल स्म में एंटर हो जाता है दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपने देखा कि ये बिल्कुल इसमें बहुत सारे कर्व्स हैं बहुत सारे जो हैं वो फोल्ड्स uh, हैं अब ये फोल्ड्स जाहिर है कि यहाँ जब काफ़ी हद तक जो है वो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किस तरह के इसमें ये यहाँ सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया है अब ये नीचे आने के बाद इसमें यहाँ पर ये एब्जॉर्बन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा इन फोल्ड्स के अंदर मज़ीद वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है और उसके बाद इनकी वॉल्स में जो है वो फूड से फूड जो है वो एबज़ॉर्ब होता है जो हमें मज़ीद जो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में चेंज हो चुका है अब आहिस्ता आहिस्ता इस फोल्ड से गुजरने के बाद तमाम ये पूरी स्मॉल इंटस्टाइन है यहाँ से गुजरने के बाद ये फिर लार्ज इंटस्टाइन में आ जाता है दिस इज़ लार्ज इंटस्टाइन इसके तीन पार्ट हैं ठीक है ना फर्स्ट पार्ट आपका ड्यूडेनम ठीक ज्यूजनम एंड देनेलियम अब ये देखें इसके अंदर यहाँ से ये यह थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ये देखें ये थोड़ी नैरो है यहाँ से ये यह थोड़ा सा बड़ा बड़ी हो जाती है अब फूड का डाइजेशन यहाँ हो गया इनकी वॉल्स में उसके बाद ये यह यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आया और उस यहाँ पर जो है वाटर और मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और ये पूरा हमारा जो भी फूड जो बच जाता है एब्जॉर्ब होने से वो यहाँ से ट्रैवल करता है और ट्रेवल करने के बाद ये यहाँ पर आता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करेगा और यहाँ तक आ जाएगा यहाँ तक आने पर यहाँ ये यह होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया यानी वो हजम नहीं हुआ उस वो हमारे पास एक्सिस क्वांटिटी में है या ज़्यादा मेकदार में था तो वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ और उसके बाद ये यह यहाँ तक आ गया यहाँ तक आने के बाद ये यह देखें यहाँ पर है रेक्टम अब रेक्टम क्या था रेक्टम वो जगह है जिसमें हमारा अनडाइाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर होता है यानी ये बिल्कुल हमारे लिए हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं है फालतू है या ज़्यादा है बेकार है तो वो यहाँ पर जमा हो जाता है और एट लास्ट दिस इज़ द लास्ट ओपनिंग दिस इज़ कॉल्ड ये एनस है और इसके थ्रू जो है ये हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा ठीक है अब आपको इस फिगर के थ्रू भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा ये जो है ये हमारी पूरी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है ये आपकी ओपनिंग है बकल कैविटी या माउथ की और ये आपकी अनडाइजेस्टिड फूड के बाद लास्ट ओपनिंग है जो कि ईजेशन यहाँ से होता है यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिड फूड दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द पेज नंबर सेवेंटीन ओके अब वट हैपन टू द डाइजेस्टेड फूड जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या होता आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी को यकीनन ज़रूरत है एनर्जी की ताकि हम मुख्तलि अपनी ज़िंदगी के काम कर सकें from the previous discussion we have learned that the digested food is absorbed by the small intestine and is passed on the blood, ऑन the blood ब्लड अपने जब आ, पूरा जब एक्सप्लेशन किया तो यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटस्टाइन में फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और डायजेस्ट होने के बाद उसमें एबजॉर्ब हो जाता है और स्मॉल इंटस्टाइन से वो पास्ड हो जाता है ब्लड में यानी एनर्जी उसकी जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है थ्रू द ब्लड द एब्जॉर्ब फूड रीचिज़ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग अवर टिश्यूज़ अब पूरे बॉडी में जो कॉमन चीज़ है जो कि पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है वो है ब्लड ठीक है अब ब्लड में जब वो फूड से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी जो है ब्लड के जरिए बॉडी के हर हिस्से में पहुँचेगी इंक्लूडिंग अवर टिश्यूज़ टिश्यूज़ में भी पहुँचेगी दीज फूड मटीरियल्स आर बर्नड इन साइड द टिश्यूज़ टू रिलीज़ एनर्जी अब ये फ़ूड मटीरियल्स जब पहुँच जाते हैं टिशूज़ के अंदर वो वहाँ पर बर्न्ट होते हैं या मज़ीद जो है वो उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसके बाद वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और वह एनर्जी जो है वह हमारी ब्लड में हमें काम करने की ताकत अता करती है दस वी गेट अनर्जी फ्राम द फूड वी इट अब एट लास्ट हमें वो एनर्जी मिल जाती है जो कि हम गज़ा के जो हमने गज़ा खाई थी उसके ज़रिए हमारी बॉडी में पहुँचती है या जो गज़ा हमने खाई थी उससे हमें एनर्जी मिल जाती है यानी जो कुछ हमने खाया वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन र्यूमेंट्स इसमें र्यूमिनंट्स क्या हैं वो हम देखते हैं हैव यू सीन अ काओ और बुफेलो बी चूइंग कंटिनसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चों ने तो यकी जरूर देखा होगा कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि जो कुछ नहीं भी खा रहे होते हैं लेकिन उनका मुंह चल रहा होता है तो दीज एनिमल कैन क्विकली ईट द फूडर एंड स्टोर इट इन इट्स इन अ इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन अब ये असल में जानवर क्या करते हैं कि वो बहुत सारा खाना जो है वो बहुत तेज़ी से खा लेते हैं और खाने के बाद वो एक अपने स्टमक के पार्ट में उसे जमा कर लेते हैं जिस उस पार्ट उसको हम कहते हैं रियूमन हेयर देयर फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड एंड स्टोर्ड एज कर्ड अब इस जगह पे वो फूड बहुत ही पार्शली यानी हल्का सा डाइजेस्ट हो जाता है यानी वो छोटे टुकड़ों में जब बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं जाहिर है तो वो चबाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है बस और वो स्टोर हो जाता है जिसे हम कड कहते हैं दीज एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग दिस कड टू देयर माउथ फॉर कम्प्लीट चूइंग अब र्यूमेंट्स जो हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो इस कड को जो कि स्टोर हो जाता है उनके र्यूमन में वापस अपने मुंह में ले आते हैं फॉर द कम्प्लीट चुइंग उस वक्त तो वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो मोटा मोटा उन्होंने चबाया और उसको निगल लिया लेकिन जब वो अपना डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं खाने के बाद वो फिर क्या करते हैं कि वो वापस अपने मुंह में उस कट को लेकर आते हैं और उसे बहुत अच्छी तरह चबाते हैं दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिमिनेशन और इस प्रोसेस को हम रिमिनेशन करते हैं यानी खाने के बाद वापस जा को कंप्लीट च्यूंग के लिए अपने मुंह में लेकर आना रिमनेशन कहलाता है एंड द एनिमल च्यू एंड कर्ड आर कॉल्ड र्यूमनेंट और ऐसे एनिमल्स जो कि कर्ड को चबाते हैं उन्हें हम रिमेनेंट कहते हैं द स्टमक ऑफ र्यूमनेंट हैज़ फोर चैम्बर्स अब इंसानों में आपको मैंने बताया था कि जी स्टमक में एक ही चैम्बर होता है या एक ही खाना होता है लेकिन जो रियुमेंट्स हैं उनके स्टमक में चार चैम्बर होते हैं यानी फोर चैम्बर्स होते हैं रियुमन रेक्टिकुलम ओमेजम एंड एबोमेजम ये चार चैम्बर्स होते हैं सच अ फोर चैम्बर्ड स्टमक इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड स्टमक आप चूंकि उसमें ही चार हिस्से मौजूद हैं इसलिए ऐसे स्टमक को हम कंपाउंड स्टमक कहते हैं

फिर उसके बाद वो रेक्टिकुलम में प जाता है फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्नड इन टू द माउथ टू बी ब्रोकन इं टू स्मॉलर पीसेस वहाँ से फिर वो वापस मुंह के अंदर लेके जाते हैं रेमनेंट और मज़ीद उन्हें चबाते हैं और छोटे पीसेज में कन्वर्ट करते हैं कन्वर्टेड इंटू अ सॉफ्ट पल्प कॉल्ड कड जो इसे हम एक सॉफ्ट पल्प में पल्प में वो चेंज कर देते हैं जिसे हम कट कहते हैं इट इज़ नाउ च्यूड थरली यहाँ पर जो है वो गजा बहुत अच्छी तरह चबाई जाती है यू मे नो दैट प्रोसेस ऑफ चूइंग कर्ड इज कॉल्ड रिमिनेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस प्रोसेस को जिसमें कर्ड को चबाया जाता है अच्छी तरीके से रिमिनेशन कहलाता है ड्यूरिंग रिमिनेशन द कर्ड मिक्सिस विथ स्लाइबा एंड बेकम्स अ सेमी लिक्विड पेस्ट जाहिर है कि मुंह के अंदर जो स्लाइबा मौजूद होता है वो जानवरों में भी मौजूद होता है तो जब वो कट जो है अच्छी तरह चबाया जाता है तो वो मिक्स हो जाता है स्लाइबा में और एक सेमी लिक्विड सा पेस्ट बन जाता है ठीक है देन इट इज़ पुश डायरेक्टली इनटू द थर्ड चैम्बर अब ये थर्ड चैम्बर में डायरेक्टली पुश कर दिया जाएगा खाने के बाद जिसे हम ओमेज़म कहते हैं देन इन एंड द लास्ट चैम्बर एबोमेज़म और उसके बाद वहाँ से वो लास्ट चैम्बर में यानी चौथे चैम्बर में एबो एबोमेज़म में आ जाता है इन दिस फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूसेज मिक्स विद द सेमी लिक्विड कर्ड इस चैम्बर के अंदर लास्ट चैम्बर में एबोमेज़म में डाइजेस्टिव जूसेज जो हैं वो मिक्स होते हैं और उस सेमी लिक्विड कर्ड में दीज जूसेज़ ब्रेक डाउन द फूड इन टू सिम्पलर फॉर्म और वो जूसेज जो हैं उस कट को सेमी लिक्विड कट को जो है वो मज़ीद सिम्पलर फॉर्म में चेंज करते हैं द सेमी डाइजस्टेड फूड नाउ एंटर्स द स्माल एंटेस्टाइन उसके बाद वो वहाँ से स्टमक से ज़ाहिर है स्मॉल uh, एंटस्टाइन में चला जाता है वो सेमी डाइजस्टेड फूड जो होता है फ्राम वेयर द रिमेनिंग डायजेशन प्रोसेस कंटिन्यूज एंड एज इट डज़ इन ह्यूमन बींग उसके बाद वही बिल्कुल प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और मजीद डाइजेशन वहाँ पर होता है जैसा कि इंसानों में होता है उसके बाद वो लार्ज एंटेस्टाइन में एंड देन ऑब्वियसली वो फिर जो अनडाइजेस्टिड फूड है वो भी एन एस के थ्रू बाहर आ जाता है एनिमल्स में भी अ क्वेश्चन मे रेज इन योर माइंड हो सकता है कि आपके जहन में यही क्वेश्चन आए कि वाई हैव द र्यूमेंट डिवेलप्ड द हैबिट ऑफ च्यूइंग कड कि वो जो है इन जानवरों में ये एबिलिटी क्यों है या ऐसी हैबिट क्यों है कि वो दोबारा से अपनी गज़ा को चबाने के लिए अपने मुँह में वापस लाते हैं या कड को दोबारा चुबाते हैं यू हैव ऑलरेडी रेड दैट द एनिमल्स लाइक काओ बोफेलो शीप एंड डियर आर हर्बी बोर्स आपको मालूम है कि काउज हो गई बुफेलोज गोड्स शीप डियर ये तमाम के तमाम हर्बी वोर्स हैं यानी सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं देयर फूड इज़ रिच इन सेलुलोज अब आपको मालूम है कि ये इनका जो जो प्लांट्स होते हैं उनकी वॉल्स जो कुछ प्लांट्स की वॉल्स जो है ना वो बहुत थिक होती हैं लीव्स की या जो भी चीज़ वो खा रहे होते हैं उनकी लॉज की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं और वो सेलुलोज उनमें होता है यानी वो मोटी थोड़ी सी होती हैं सेलुलोज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट अब सेलुलोज़ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है और वो मुश्किल से डाइजेस्ट होती है इसीलिए उसे अच्छी तरह चबाया जाता है जब तक वो अच्छी तरह चबाया नहीं जाएगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जाएगा फिर डाइजेस्टिव जूसेस उस पर एक्ट करेंगी और वो सिंपलर फॉर्म में चेंज नहीं होगा वो हमारे जो जानवर हैं उनकी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा द थ्री चैम्बर इन द स्टमक ऑफ द रेमनेंट हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेलुलोज जो लास्ट के तीन चैम्बर्स हैं स्टमक के रेमनेंट के वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज के लिए यानी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में वो बहुत मदद करते हैं ठीक है अनाउ सी दिस फिगर रेमनेंट स्टमक ये रेमेनेंट का स्टमक है ठीक है ये ऑसो फिगर से ये सबसे बड़े चैम्बर में आएगा दिस इज कॉल्ड रेमन उसके बाद ये रेक्टिकुलम में चला जाएगा दिस इज़ दिकेंड ये रेक्टिकुलम है सॉरी ये रेक्टिकुलम उसके बाद ये आ जाएगा अमैज़म में एंड देन फाइनली यहाँ आ जाएगा ये यहाँ से ये घूम के देखें ये एरो बना हुआ है यहाँ आ जाएगा एबोमैज़म में और उसके बाद ये लार्ज ये स्मॉल इंटस्टाइन एंड देन दिस इज़ द लार्ज ये स्मॉल इंटस्टाइन में अब ये आगे इसमें कंटिन्यू करें देखिए ये स्मॉल इंटस्टाइन जो है यहाँ तक आ गई उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा एंड फाइनली द लास्ट ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ये एन के थ्रू जो एक्स्ट्रा या अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड इट ओके स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू आर नेक्स्ट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़